हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है, जाइए उसको देख लीजिए। ठीक है, तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, जाइए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए और मैं MCQ बताने चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है MCQ का, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लापरवाही हैंडलिंग के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। औद्योगिक प्रयोगशालाओं के लिए कौन सा मानक तय और उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि उपकरण के खराब आशंकन के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अव्यवस्थित त्रुटियों को कैसे समाप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपित तीव्रता की एक SI इकाई का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका वर्णन फार्माकोपिया में किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फार्माकोपिया में साल्ट पीटर को किस रूप में दर्ज किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, औषधियां तैयार करने में अशुद्धियां निम्नलिखित में से किन स्रोतों के कारण हो सकती है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता को किन प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा मृदु किया जा सकता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ब्रोटेंडेड लोरी संकल्पना में अम्ल है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, HSAB गुणों के अनुसार अम्ल और क्षार को वर्गीकृत करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम को किस उपवर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रबल अम्ल का उदाहरण है? तो प्रबल अम्ल का जो उदाहरण है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AgNO3 में वर्गीकृत है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट, आर्सेनिक गैस को अंदर ले जाया जाता है और इसके संपर्क में आने पर पीले या भूरे रंग का दाग बन जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कम इसको करते हैं। हाँ, निम्न में से किसका उपयोग हाइपो के साथ आयोडीन के अनुमापन के संकेतक के रूप में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर का है MCQ क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के अनुमापन में तुल्यता बिंदु पर pH क्या होगा? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, अनुमापंका की अधिक मात्रा जोड़ने पर अनुमापन वक्र में एक अतंत स्पर्शी प्राप्त होता है या अतंत स्पर्शी निरूपित करता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बफर क्षेत्र द्वारा दर्शाया जाता है?
तो बफर सबसे ज्यादा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी सीएल और जल बनाने के लिए 3 3 MSCL के 33 मिली के साथ अनुमापन में NaOH में कितने एम मोल का उपयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट, संकेतक के रूप में मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 100 ml 0.1 NaCl के अनुमापन में प्रयुक्त NaOH की मात्रा है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर डी। किसी अम्ल के तुल्यांकी भार की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, आंसर आपका हो जाएगा आपका बी, आंसर होगा आपका बी। समान वर्षा जल किसके कारण अम्ली होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, CO2, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुमापंक के पीएच और आयतन के बीच ग्राफ में तुल्यता बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। पीपीटी के वजन पर कौन सी विश्लेषणात्मक विधि आधारित है, तो वो आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का डी, 11 का डी रहेगा 12 का। गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण के बारे में कौन सा वाक्य गलत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधि एक एंटा एसिड है, तो निम्न में से कौन सा एंटा एसिड है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि डोपामीन प्रतिपक्षी है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को पायरोटाइटिस से जोड़ा गया है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से, ठीक। किस प्रकार की कोशिका से ग्लूकोन निकलता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माइटेरिक फ्लेक्सस का दूसरा नाम है, तो हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे H2 अवरोधक नहीं माना जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि गैस्ट्रिक खाली करने में सहायता करती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एंटासिड थेरेपी का साइड इफेक्ट क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंटासिड युक्त CA का दुष्प्रभाव है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 13 का देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सीमेथिकोन, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, एंटासिड ए। शुष्क एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल में होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। एंटासिड किसके द्वारा कार्य करता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम सल्फेट के अधिक उपयोग से होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। वर्नेट सिंड्रोम किसके लंबे समय तक उपयोग में जुड़ा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जब एक हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। निम्नलिखित में से कौन उभयधमी अणु का उदाहरण है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अम्ल की उपस्थिति में अमीनो समूह हो सकता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कार्बनिक एसिड और
बाइकार्बोनेट आयन निम्नलिखित में से किसे बफर करते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, उपापचयी आम्ल रक्तता में होने वाली स्थिति क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नेक्स्ट चैप्टर पे, तो ये आपका हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, ठीक है, इसमें जाइए जानते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 5 सदस्यीय वलयों के बारे में सत्य नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 5 सदस्यीय वलय नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा 5 सदस्यीय वलय सबसे अधिक रिजोनेंस स्थिर है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रासायनिक व्यवहार के आधार पर 5 सदस्यीय वलय विषम चक्र वर्गीकरण किस श्रेणी में आते हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक में कौन प्रतिक्रियाशीलता क्रम क्या है? हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। तो इसका एमसीक्यू चाहिए, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि एक ही औषधि की अधिक मात्रा में संभावित रूप से खतरनाक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्लाज्मा में 99% प्रोटीन बधी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोरफायरिया के रोगी में निम्नलिखित में कौन सी औषधि बिल्कुल है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय संवेदन आहारी एजेंटों के संबंध में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आईवी संवेदन आहारी एजेंटों के संबंध में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, इनहेलेशन एथेंटिक्स क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिनाइटोइन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, फ्लुमाजेनिन, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, गैर विध्रुवण मांसपेशी रिलैक्टेक्स के संबंध में, इसका हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष सेरोटोनिन एगोनिस्ट है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। गुर्दे की विफलता के रोगियों को उच्च खुराक में दिए जाने वाले पर दौरे से जुड़ी अफीम है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इथेनॉल मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मिर्गी रोधी औषधि के संबंध में, तो यह हो जाएगा आपका सी। बेजोडायजेपाइन, यह आपका हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। पार्किंसन रोग में प्रयुक्त औषधियों के संबंध में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक मरीज को ऑपरेशन के बाद मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होती है, इसके कारण होने वाली सबसे अधिक संभावना, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लिथियम, तो लिथियम का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। निगलोकेन,
इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका सिक्स यानी छः, तो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन निकोटिक कॉलोनी सेप्टर्स में एक प्रतिस्पर्धी विरोधी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट, एक औसत जो बीटा एक और बीटा टू एंड एंड्रेन सेप्टर्स को उत्तेजित करती है, उसके कारण क्या होने वाली उम्मीद की जा सकती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रतिरोध में कमी। ग्लूकोमा के उपचार में इंट्रालोकुलर दाब को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। निम्नलिखित में से किस एंजाइम की वंशानुगत कमी से सक्सिनिकोलाइन के लंबे समय तक प्रभाव हो सकते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर का बी। निम्नलिखित में से कौन सी औषध सबसे कम एक्टिंग करने वाली एसिटाइल कोनिलेस्ट्रेज अवरोधक है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ड्रग्स एक्स रक्तचाप में वृद्धि और हृदय गति में कमी का कारण बनता है जब आईवी प्रशासित किया जाता है। यदि गैलियोनिक निकोटिनिक रिसेप्ट एक नए एंटागोनिस्ट को पहले प्रशासित किया जाता है तो औसत रक्त एक्स रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप में वृद्धि और हृदय गति में वृद्धि का कारण बनती है, ड्रग्स एक्स सबसे अधिक संभावना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से एजेंट के परिवेश द्वारा मेलाथियन कीटनाशक के साथ जहर का सबसे अच्छा प्रबंधन किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस साइट पर एसिटाइल कोनाइन की रिसेप्टर क्रियाओं को निकोटीन द्वारा नकल की जाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि नर एड्रेनर्जिक नसों में नॉरेपेनेफ्रिन की रिहाई को कम करेगी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्केरेनिक कोलिनोरिसेप्टर एगोनिस्ट एडोनेथिसियल के रिलीज के कारण बड़े पैमाने पर वासोडिलेशन को प्रेरित कर सकते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट ब्रोंकियल फैलाव को प्रेरित करने की सबसे अधिक संभावना होगी? तो हो जाएगा आपका नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा एजेंट जब आंख पर शीर्ष रूप में लगाया जाता है तो माइड्राइसिस और साइक्रोप्लेजिया दोनों को प्रेरित करेगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट, मेटाप्रोटेरेनॉल के कम खुराक में परिवेश से जुड़े हृदय गति में परिवर्तन को निम्नलिखित में से किस एजेंट के द्वारा अवरोध किया जाता है? सॉरी, इसका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेवन। ठीक है, निम्नलिखित एक प्रेशर पेप्टाइड है जो परिसंचरण के साथ साथ कुछ ऊतकों के स्थानीय रूप में उत्पन्न हो सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कारक गुर्दे के रेनिन रिलीज को बढ़ाते हैं सिवाय? तो हो जाएगा आपकी डी। रोधकलन के बाद वेट्रिकुलर रिबैंड लेनिंग में निम्न की मध्यस्थता शामिल है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, कैप्टोप्रिल प्रिपमेंट। तो यह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
कैप्टोप्रिल रक्तचाप में अधिक गिरावट पैदा करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इना इनालाप्रिल। कैप्टोप्रिल में इसमें भिन्न है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनालाप्रिल। कैप्टोप्रिल में से निम्नलिखित विशेषताओं के में भिन्न है सिवाय, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित एजियोटेनिस परिवर्तन एंजाइम अवरोधक हृदय की सिकुड़ना को कम करते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। एंजियोटेसिन परिवर्तन एंजाइम अवरोधकों के संकेतकों में निम्नलिखित को छोड़कर शामिल है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। लोसार्टन निम्नलिखित मामलों में इनालाप्रिल से भिन्न है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रेडिकाइनिन की क्रियाओं के निम्नलिखित को छोड़कर शामिल है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। निम्नलिखित किन क्रियाओं को मध्यस्थता मुख्य रूप से किन B1 रिसेप्टर द्वारा किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बुमेटेनाइड औषधि का साइड इफेक्ट है, तो आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है 6-क्लोरो-1-डेक्सो-3-फेनिलमेथाइसोल, ठीक है इसको छोड़ दीजिए। ठीक है नेक्स्ट, औषधि बेजिथियासाइजाइड का गलनांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा बी, बेजिथियाजाइड की संरचना के मौजूद चिरल कार्बन की संख्या है, तो हो जाएगा आपका ए। औषधि बेज थिया जाइड मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। बुमेटेनाइड किस वर्ग से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। फ्यूरोसेमाइड की क्रिया का तंत्र है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। बी निम्नलिखित में कौन सा मूत्रवर्धक एल्डोस्टेरोन के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। थियाजाइड मूत्रवर्धक कार्य करता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन हेलेन के लूप पर कार्य करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परकिनाजे फाइबर पर डिजिटलिस के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रभावों में निम्नलिखित शामिल है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट, डिगॉक्सिन के उन्मूलन का सबसे महत्वपूर्ण चैनल है, तो हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डिगॉक्सिन विषाक्तता के कारण वेंट्रिकुलर एक्स ट्रेक्सिटोल का प्रतिकार करने के लिए सबसे उपयुक्त एंटीडायमिक औषधि का चयन करें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक साथ दी जाने वाली निम्नलिखित औषधि डिऑक्सिन की विषाक्तता को बढ़ा सकती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। डिगॉक्सिन में कंट्रोल डेडिकेटेड है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ये हो जाएगा बी। CFF के उपचार के लिए डिजिटलिक्स सबसे उपयुक्त है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए।
हृदय की विफलता के डिगॉक्सिन की खुराक को निगरानी द्वारा समायोजित किया जाता है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। डिटॉक्सिन CFF में निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी नेक्स्ट चैप्टर है 9, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है 9, तो 9 का चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स इंसुलिन स्राव को उत्तेजित करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता इंसुलिन को ग्लूकोज ग्रहण करने में अपना अधिकतम प्रभाव डालने के लिए होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इंसुलिन को बढ़ावा देता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमिलिन का व्यावसायिक रूप से की एक ट्रांजेनिक प्रजाति से उत्पादन किया जा रहा है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। इंसुलिन ग्राही होते हैं, तो इंसुलिन ग्राही क्या होते हैं, बाहरी प्रोटीन। अग्नाशय की अंतःस्रावी कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन का संश्लेषण कहां से शुरू होता है, तो इंसुलिन का कहां से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। इंसुलिन रिसेप्टर का बीटा सब यूनिट क्या है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। डेल्टा कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, तो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी। मेटफोर्फिन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्लिबेग्लमाइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ग्लिबेग्लमाइड का ब्रांड नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ग्लिबेन क्लोलामाइड का समान नाम क्या है, तो हो जाएगा आपका समान नाम डी। नेक्स्ट, पियोग्लिस्टोजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। पियोग्लास्टोजोन का ब्रांड नहीं है, तो हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। पियोग्लिस्टाजोन का सामान्य नाम क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेपेग्लिनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। रेपेग्लिनाइड नाइड का ब्रांड नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। रेपेग्लिनाइड का समान नाम क्या है, तो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। GLP-1 एगोनिस्ट वर्ग के मधुमेह की औषधि में शामिल है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इसमें जाएगा डी। मेटफोर्मिन का दुष्प्रभाव क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी डी। ग्लिप्टिन किस श्रेणी की औषधियां हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे अच्छा ग्लिप्टिन कौन सा है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। सबसे अच्छा DPP-4 अवरोधक क्या है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 को। अमावती गठिया की अनुमानित व्यक्ता क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा, ए। अमावती गठिया में किस मध्यस्थ का प्राथमिक प्रभाव प्रोस्टाग्लैंडिन उत्पादन पर होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। एस्पिरिन के दर्दनाशक प्रभाव है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
NSAID के मुख्य रूप से एक रोगनाशक के रूप में प्रचारित किया जाता है, न कि एक विरोधी सोस एजेंट के रूप में। हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। हेपेटिक रिनल टॉक्सिक मेटाबोलाइट से जुड़ी औषधि एन एसिटाइल पी बेंजो क्लिनोन। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, इब्रुप्रोफेन की शारीरिक बनावट है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इबुप्रोफेन औषधि मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पायरोकिक्स स्कैम की संरचना में मौजूद वलय का प्रकार है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। पायरोकिसिकम औषधि का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पोलिनेस का उदाहरण है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एम्फोटेरिसन बी का स्रोत है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वसायुक्त भोजन से किस औषधि को अवशोषण में वृद्धि होती है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह औषधि जो कोशिका झिल्ली में सूक्ष्म बीजाणु बनाकर कार्य करती है वह है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डर्मेटोफाइनिटिस के साथ साथ प्रणालीगत माइकोसिस के लिए कौन सी एंटीफंगल औषधि का उपयोग किया जाता है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। केटोकोजानाजोल के SDR में निम्नलिखित छोड़कर शामिल है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। उस औषधि का चयन करें जो कवकनाशी और स्प्लीन एपॉक्सीडेज एंजाइम को रोककर कार्य करती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। NDA संश्लेषण को रोककर औषध की औषध क्रिया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ग्रीसोफुलविन एक उदाहरण है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। वयस्कों में हेपेटाइटिस बी के लिए एक अनुमोदित औषधि के रूप में जाना जाता है, तो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर आपका ए। निविरापीन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है, तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंटरवीर के विरुद्ध कोई गतिविधि नहीं है, तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एंटीकाविर एक है, क्या है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्रोकिन सक्रिय हेपेटाइटिस के विरुद्ध इस्तेमाल की जाने वाली औषधि, तो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्लोरोक्वीन का भौतिक स्वरूप क्या है, तो भौतिक स्वरूप क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोक्वीन औषधि का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, किसने उपयोग किया जाता है, तब हो जाएगा सी, मलेरिया के उपचार में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं आपका, नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर 12। तो नेक्स्ट चैप्टर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में क्लोर टेट्राइस्किन घुलनशील है, तो जल में। सेल वाल बायोसिथेसिस निम्नलिखित में से किसके बायोसिथेसिस को रोककर एंटीबायोटिक औषधि द्वारा बाधित होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक फोलेट प्रतिपक्षी के रूप में कार्य करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक प्रोटीन संश्लेषण अवरोधक के रूप में कार्य करता है, तो हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी। समान अवस्था में पेंसिलिन का पीएच मान किस रूप में रहता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक मुख्य कैंडिडोसिस के उपचार में प्रभावी है,
हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलीय सोडियम या पोटेशियम लवण थोड़ा घुलनशील होते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिलिन की गतिविधियों को प्रभावित नहीं करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बेंजील पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से किस पेंसिलिन का रासायनिक नाम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटेसिस निम्नलिखित में से किस एंटीबायोटिक का उत्पादन करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा पायरोफॉस्फेट रूप में वक्रोपिनाल के मोनोफॉस्फेट के रूप में पुनर्जनन में हस्तक्षेप करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। किण्वन प्रक्रिया के बाद पेंसिलिन को किस रूप में पुनः प्राप्त किया जाता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टायरोसिडाइन। किस जीव के विरुद्ध अधिक प्रभावी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहु औषधि प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे सबसे निकट से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिलिन ग्राम नकारात्मक स्पेक्ट्रम है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अधिकांश ओरोफेसियल संक्रमण के लिए पसंद की विशिष्ट औषधि क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रेप्टोमाइसिन निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्वारा निर्मित होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ट्रायोसिडाइन किससे विरुद्ध अधिक प्रभावी है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल से जुड़े दस्त के उपचार में कौन सा मैक्रोलाइड लगभग अन्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा एजिथ्रोमाइसिन के साथ आम दुष्प्रभाव है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दस्त। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है आपका 13 यानी 13, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित को छोड़कर साइक्लोफॉस्फामाइड के बारे में क्या सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ये सत्य है। क्लोरोबिलिसिल की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा नियोप्लास्टिक रोगी कीमोथेरेपी द्वारा लगभग ठीक किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस कैंसर रोधी औषधि के उच्च एमेटोजेनिक क्षमता होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से कैंसर कीमोथेरेपी के लिए सही है, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेथोट्रेक्सेट में निम्नलिखित विशेषताएं सिवाय सी के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी इनोप्लास्टिक औषधि माइटोटिक इनहिबिटर है और मेटाफेज अरेस्ट का कारण बनती है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है।
बिंका ग्लाइड किसके द्वारा ट्यूमर रोधी गतिविधि करते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी साइटोटोटिक्स औषधि ट्यूबुलिन के डिपोनीमराइजेशन को रोककर इस प्रकार सूक्ष्म नलिकाएं के समान एरेज का उत्पादन करके कार्य करती हैं? तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कीमोथेरेपी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आरचाप रेजिमेन और ओ अक्षर की संबंधित है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कैंसर के रोग जनन में शामिल है, तो क्या शामिल है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। निम्नलिखित में कौन सा कैंसर रोधी एजेंट क्रिस्टुलेरिया पैदा करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, थायमिडीन कम मृत्यु उत्पादन करने वाला कैंसर रोधी एजेंट है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। सकारात्मक उपचार का संकेतक देने वाले मुहासे प्रकार के त्वचा लाल तकच्चे का विकास निम्नलिखित के साथ देखा जा सकता है? तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है दोस्तों, ये था आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर जरूर देख जाइएगा, एग्जाम से पहले देख के जरूर जाइएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगले यानी 25 तारीख के एग्जाम का पेपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोग का, उसको भी जाके देख लीजिएगा फिर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।